आपका आज की वीडियो स्वागत है। सो वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक खत्म नहीं हो रही, और उनमें से कौन सी वो कुछ चीजें उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। टाइटल क्या बताएंगे मौजा? टाइटल है इंडिया की वर्ल्ड कप जीत से जला पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया, आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 आरजे रोनक। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों भारत को वर्ल्ड कप जीते 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर खुशी है कि रत्ती भर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पहले तो 10 सेकंड मुझे ये रियलाइज करने में लग गए कि भाई क्या कल सच में जीत गए थे, मैंने रात को कोई सपना तो नहीं देखा था। हालत ये है कि मैच हाइलाइट्स में भी जब मैं सूर्या को मिलर का कैच लेते हुए देखता हूं तो वैसे ही उछल पड़ता हूं जैसे लाइव मैच में उछला था। अर्शदीप ने 19वें ओवर में डॉट बॉल डाली थी तो मैंने मैच हाइलाइट्स में भी ताली बजा दी। जब से मैच खत्म हुआ है एक एक प्लेयर की इंस्टा स्टोरी चेक कर चुका हूं, दुनिया भर की मीडिया ने इस पर क्या बोला है वो सुन चुका हूं। मैच के बाद टीम इंडिया की सेलिब्रेशन को 20 बार देख चुका हूं, और जब भी रोहित शर्मा को जमीन को चूमते हुए देखता हूं तो इमोशनल हो जाता हूं। जब भी द्रविड को हाथ में ट्रॉफी लेकर बच्चों की तरह चिल्लाते देखता हूं तो खुद के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता, और हर बार दिल से ऊपर वाले के लिए थैंक यू निकलता है कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हम क्रिकेट फैंस को ये दिन दिखाया। मगर जैसा कि हर बारात में एक नाराज फूफा होता है जो कि किसी न किसी बात से नाराज होता है, उसे रसमलाई का रस या तो बासी लग रहा होता है या उसे दूल्हे की शेरवानी किराए की लग रही होती है, जो बाकी बारातियों के पास जा जाकर पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है दुल्हन भेंगी है, उसी तरह भारत की इस जीत के बाद बहुत सारे हमारे प्यारे पड़ोसी नाराज फूफा बन गए। करने को तो इनके पास पहले भी कोई काम धाम नहीं था, और जो थोड़ा बहुत था भी वो भी काम को छोड़कर अब दिन रात भारत की जीत में साजिश ढूंढने लगे ये लोग। मतलब माना कि पड़ोसी के जीतने पर जेलेसी होती है, मगर उस जेलेसी में इतना भी मत गिर जाओ कि तुम्हारे सिर पर 100 जूते मारने का दिल करे। बात तो सही है। अब आप देखिए इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव के आखिरी कैच की चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे किसी बड़े मैच में पकड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का बेस्ट कैच बता रहे हैं, लोग इस कैच का कंपैरिजन 83 के फाइनल मैच में पकड़े कपिल देव के कैच से कर रहे हैं, मगर हमारे पड़ोसियों ने इसमें भी साजिश ढूंढ ली है। क्या कह रहे हैं ये भूतिए आप खुद ही सुनिए। मैच में दिखा देता हूँ, सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाजे दिखा। अरे वाह चचा, गजब ही मूर्ख आदमी हो यार। मतलब तुम पिक्चर दिखाकर ये साबित कर रहे हो कि जहां सूर्य ने कैच पकड़ा वहां रोप हिली हुई है, मतलब सूर्य का पैर लगा। अरे अकल के दुश्मन, तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि रोप हर जगह बराबर नहीं लगी होती, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगी होती है। और चमन भूती है, अगर रोप सूर्य के कैच लेने के टाइम हिली है तो हमें रिप्ले के टाइम क्यों नजर नहीं आ रही। माना कि तुम अकल के अंधे हो, मगर आंख तो तुम्हारी काम कर ही रही है। जब सूर्या कैच पकड़ रहे थे तब तो उनका पैर रोप को नहीं टच कर रहा था। अगर उस कैच से पहले ही रोप 5-6 सेंटीमीटर पीछे गई हुई है तो इसका ये मतलब हो गया कि सूर्या ने कैच लेते टाइम उसे हिलाया। कैसे इतने गधे हो सकते हो बे? जब बेइज्जती है। तुम्हें हिली हुई रोप दिख रही है मगर 5000 बार रिप्ले दिखने के बाद ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्या ने किस तरह कैच लेने के टाइम अपने पैर को रोप से दूर रखा। बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से पहले बॉल को हवा में अंदर फेंका, खुद का बैलेंस बनाया और दोबारा अंदर आकर बॉल को कैच किया, और ये सब तब हुआ जब उनका पैर आधा इंच भी रोप से नहीं लगा। और वो जो तुम्हारा चचा है जो थर्ड अंपायर है, जो ऊपर 250 कैमरे लेकर बैठा है, जिसने 5 मिनट में 20 रिप्ले देखकर डिसाइड किया कि सूर्या ने पैर नहीं लगाया, क्या वो भी तुम्हारी तरह अंधा है? भाई यकीन मानो अंधा वो नहीं है, तुम हो, वो भी अकल के। मगर तुम लोग इतने बेगैरत तो कि अपनी चिड़ में झूठी साजिशें ढूंढ रहे हो, कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हो, और ये भारत की इस जीत पर आईसीसी को गालियां दे रहे हैं। बताइए, इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। मगर मजे की बात यह है कि भारत की इस जीत में यानी बेगानी शादी में एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी अब्दुल्ला जमीन पर लोट लोट कर अपने कपड़े फाड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो अफ्रीकी टीम ये मैच हारी है, जिस अफ्रीकी टीम के प्लेयर मिलर का कैच सूर्या ने पकड़ा, उसी साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स को इस कैच से कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं कि ये कैच पूरी तरह से क्लीन था। अब क्या कुछ बचता है कहने के लिए बताइए, मगर नहीं, ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने के लिए पूरे वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी साजिशें ढूंढते हैं। अब बेचारे करते भी क्या, खुद उनकी टीम तो पहली फुर्सत में निकलकर कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई, करने के लिए कोई काम धाम बचा नहीं था तो इन्हें लगा चलो भारत की जीत को बदनाम करते हैं। इसी तरह इंजी भाई और सलीम मलिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत के बॉलर्स रिवर्स स्विंग करवाने के लिए बॉल के साथ छेड़खानी कर रहे हैं,
भला आप सोचिए कौन बोल रहा है ये बात, वो सलीम मलिक जो खुद सारी जिंदगी मैच फिक्सिंग करते रहे, वो इंजमाम जो विदेशी टूर पर जाकर लोगों को धर्म बदलवाते फिरते थे, और ये लोग हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट पर, गेम के एथिक्स पर ज्ञान दे रहे हैं। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे राहुल गांधी कल को परिवारवाद के नुकसान पर हमें ज्ञान देने लगे हैं। मैचेस पकड़े जाते हैं तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। खत्म, मतलब हद होती है यार नीचता की। हिंदी में कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई लोगों, खुद तुम्हारी टीम अमेरिका जैसी टीम से जीत नहीं पा रही है, खुद तुम्हारे बल्लेबाजों को आयरलैंड को हराने में नानी याद आ रही है, खुद तुम्हारी फर्जी टीम इंडिया के अगेंस्ट 120 रन तक नहीं चेस कर पा रही है, और तुम हो कि दूसरों को क्रिकेट पर ज्ञान दे रहे हो। गैरी कर्स्टन तुम्हारी टीम के कोच है ना, भूल गए वर्ल्ड कप हारने के बाद क्या कहा था कर्स्टन ने? कर्स्टन बेचारे को यह कहना पड़ा कि मैं दुनिया की इतनी टीमों को कोच कर चुका हूं, खुद इतनी टीमों से खेला हूं, मगर मैंने आज तक इतनी बंटी हुई टीम नहीं देखी जहां टीम के अंदर ही इतनी पॉलिटिक्स है। मतलब एक तरह जहां तुम्हारी टीम में सच में साजिशें हो रही हैं, सच में पॉलिटिक्स है, तुम उस पर अपना ध्यान नहीं दे रहे, और जो अर्शदीप और बुमराह आज वर्ल्ड क्लास बॉलर है जिनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, तुम अपनी गंदी नजरें लेकर उनके काम में नुक्स निकाल रहे हो, एक तरह से बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाकर उनको विलेन बना रहे हो। अरे कुछ शर्म हया है या उसे भी बेचकर मोहल्ले की रेडी से 2 अंडों का ऑमलेट खा गए हो? बताओ, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? और भाई बुमराह जो है उस पर मैं तो क्या ही कहूँ, अर्शदीप का सुन लो, अर्शदीप को अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया अभी जुमा 2 साल हुए, मगर इन 2 सालों में वो 4 में से 3 टूर्नामेंट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। इस आईसीसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए, 2022 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, और इस बीच एशिया कप हुआ था उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट उसी के थे। ये लेवल है उस बंदे का, और तुम्हें लग रहा है कि वो सब कुछ चीटिंग करके कर रहा है और अकल सिर्फ तुम्हारे में, बाकी टीमें मुंह में लॉलीपॉप ठूस कर उसे चूस रही है। अर्शदीप चीटिंग कर रहा है तो आईसीसी उसे करने दे रही है, और आईसीसी के मैच रेफरी बीसीसीआई की पिलाई भांग पी कर सो रहे हैं। कुछ भी लगता है कि जैसा फर्जीवाड़ा तुम्हारे मुल्क में चल रहा है पूरी दुनिया भी वैसी बिकी हुई है। कुछ भी, इस बात को समझो भैया, दुनिया में हुनर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर तुम्हारे पुराने बॉलर बॉल को खराब करके स्विंग करते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही यही कर रही है। हेलो, और ऐसा नहीं है कि इनका कोई एकाध रोना हो तो बंदा चुप हो जाए। जैसे गली मोहल्ले की गंदी नाली होती है ना, जो हर दिन ओवरफ्लो हो जाती है और उसका गंदा पानी सड़क पे आ जाता है, इसी तरह इन लोगों की गंदी जुबान है जिससे हर दिन कोई ना कोई गू निकलता ही रहता है। इनको हर चीज में साजिश नजर आती है। जब भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को रेल दिया तो इनकी शिकायत थी कि अफगानिस्तान जानबूझकर भारत के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, एग्रेसिव नहीं खेलता, क्योंकि अफगानी प्लेयर्स को आईपीएल भी खेलना होता है। कम ऑन, भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया तो इन बकरी चोरों ने कहा कि जिस वेन्यू पर यह मैच हुआ था वहां का बोर्ड प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम है और उसने जानबूझकर इंडिया के हिसाब से पिच तैयार करवाई। यही सेमीफाइनल मैच को वेस्ट इंडीज के टाइम से सुबह रखा गया तो इन्हीं बिरयानी चोरों ने शोर मचाया कि देखो इंडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मैच को जानबूझकर भारत के टाइम के हिसाब से रखवा रहा है। वो तो बाद में खुद ये खबरें आई थी कि भाई सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है इन मैचों का, सबसे ज्यादा पैसा तो ब्रॉडकास्टर्स का लगा हुआ है, तो आईसीसी भी ये देखेगी ना कि दुनिया का 90% से ज्यादा मार्केट जहां है वहां के लोग मैच कब देखेंगे। मगर ये बातें पाकिस्तानियों को कहां समझ में आती, इन लोगों का क्या कसूर है? ये सब बातें समझने के लिए तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़ाई का इन लोगों से उतना ही वास्ता है जितना उर्फी जावेद का कांजीवरम साड़ी से। और ऐसा नहीं कि हमारे बॉर्डर के वेस्ट साइड में ही हाल खराब है। अगर पाकिस्तान में जहालत की नदियां बह रही हैं तो बांग्लादेश में भी मूर्खता का सैलाब आया हुआ है। आपको याद होगा जब पिछले नवंबर में भारत वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा तो बहुत सारे बांग्लादेशियों ने नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ दिए थे। ये लोग खुशी से वैसे ही पागल हो रहे थे जैसे इन्होंने रिक्शा पर बिठाने के बाद सवारी से 20 रुपए मांगे हो और जाते वक्त सवारी गलती से 200 का नोट दे गई हो। इस बार जहालत के ये सौदागर तैयार बैठे थे कि बस भारत हार जाए और फिर ये लोग नाच नाच कर अपनी फटी हुई बनियान को थोड़ी और फाड़ लें। मतलब आप ये वीडियो देखिए और सोचिए कि एक कौम एक साथ इतने गधे कैसे पैदा कर सकती है, बताइए। Seriously? इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Oh my God. मारो मुझे, मारो। Seriously? मतलब ये लोग भारत को हारता देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे हैं। मेरा इन लोगों से पहला सवाल ये है कि भाई लोगों, पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन आई कैसे? स्क्रीन अगर भारत से चुरा कर भी भागे हो तो तुम्हारे यहाँ बिजली आई कैसे? और अगर बिजली आ भी गई है तो उसी बिजली के थोड़े बहुत झटके अपने दिमाग को भी लगा लो ताकि तुम्हारी भटकी हुई अकल ठिकाने पे आ जाए।
मतलब यार सच में इतने वेले कैसे हो सकते हो? यहाँ भारत की टीम अगर हार जाए तो हम टीवी की तरफ झांकते नहीं है। हमारी अप्रोच ये होती है कि भाई जिसको जीतना है जीतो, जिसको हारना है हारो। और तुम मच्छी चोर ऐसे हो कि तुम्हारी क्रिकेट टीम पिछले 2500 साल से क्रिकेट खेल रही है, वो आज तक क्रिकेट खेलना सीख नहीं पाई। मैच तुमसे एक भी जीता नहीं जाता। आज से 30 साल पहले जैसे थे ना डाइपर में खेलने वाले, आज भी तुम्हारी वही औकात है। एटीट्यूड तुम्हारे प्लेयर्स में चीते जैसा है और उनका गेम मरे हुए चूहे से भी सड़ा हुआ। और तुम लोगों की ये औकात कि भारत के हारने पर हमारा मजाक बनाओ। भारत न होता ना तो आज भी पाकिस्तानी फौज के हाथों जूते खा रहे होते तुम लोग। हमारा एहसान मानना तो दूर, ऐसे जहरीले मजहबी कीड़े हो कि हमें ही काटने को तैयार रहते हो बे। कैसे बे? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम्हारे जैसों के लिए मैंने कहावत लिखी है, बेगानी बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। सही बात सही है। क्योंकि अब्दुल्ला के पास अपना कुछ तो है नहीं जिस पर वो खुश हो पाए। क्योंकि अब्दुल्ला चाहे पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, उसे ये मालूम है कि हमारी टीम तो अभी 450 साल भी कुछ नहीं जीतने वाली। तो चलो भारत की हार की ही दुआ कर ले। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लो लाइफ, मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें आदमी बहुत ही घटिया हसरतें पालकर जिंदगी जीता है। मैं तुम लोगों की लाइफ देखता हूं और सोचता हूं कि तुम्हारी जिंदगी को फिर मैं बोलूं तो बोलूं क्या? मतलब इतनी गिरी हुई जिंदगी यार, कुछ ढंग का काम करो, पढ़ो लिखो, दुनिया देखो, अपने हुनर पर काम करो, दूसरों से जलना बंद करो। और आप देखिए दोस्तों कितनी बड़ी आयरनी है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश 47 से पहले भारत का हिस्सा थे, उन्हीं दोनों देशों में भारत की जीत पर सबसे ज्यादा छाती कूट मचा हुआ है। इन्हीं मुल्कों में लोगों की हालत काटो तो खून नहीं टाइप हो रखी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है मजहब। मजहब की बिना पर बने ये मुल्क ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हिंदू बहुल भारत इनसे हर फील्ड में इतना आगे कैसे निकल गया। हमारी तरह क्रिकेट इन देशों में भी बहुत पॉपुलर है तो इनका पेट दर्द और ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश की तो क्या ही बात करूं, खुद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश जैसी हो रखी है। वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, ये लोग नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। ऊपर से भारत पिछले 3 सालों में 4 ICC टूर्नामेंट फाइनल खेल चुकी है। पिछले 10 सालों में लगभग हर ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। और ये बकरी चोर हर बार जलील होते हैं। इन्हें भी पता है कि हम तो जीत नहीं सकते, तो चलो भारत की जीत को ही बदनाम करो। कभी बोल दो ICC भारत के साथ बिकी है, कभी किसी कैच पर क्वेश्चन उठा दो, तो कभी किसी पिच को भारत के इशारे पर बनी बता दो। और जब ये सारे हथकंडे फेल हो जाएं, तो मजहब का एंगल निकालकर भारत में ही फूट डलवाओ। इसी नफरत में ये लोग कभी अफवाह फैला देते हैं कि देखो विकेट लेने के बाद शमी को सजदा नहीं करने दिया, अर्शदीप के कैच छोड़ने के बाद यही पाकिस्तानी फर्जी अकाउंट से उसे खालिस्तानी बुलाकर भारत में नफरत फैलाते हैं। और 10-20 सालों में अगर गलती से ये भारत से कोई मैच जीत जाएं, तो उस जीत में भी ये खुद मजहब ले आते हैं। फिर कोई वकार ये कह देता है कि मुझे बड़ा मजा आया कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी। कोई इंजी ये क्लेम करता है कि हम तो भज्जी का धर्म बदलवाने वाले थे। कोई कामरान अकमल अर्शदीप को लेकर सिखों पर घटिया मजाक करता है। और खुद ये लोग क्यों नहीं जीत पाते, इस बारे में ये कभी सोचते ही नहीं। खुद पाकिस्तानी न्यूज एंकर एक प्रोग्राम में बता रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप के टाइम पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस मिस करके दूसरों को कन्वर्ट के लिए निकल पड़ते थे। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मजहब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। अब आप ही सोचिए, जिस मुल्क में नेशनल क्रिकेट टीम की प्रायोरिटी क्रिकेट की बजाय मजहबी एजेंडा हो, वो क्रिकेट में क्या ही गुल खिला लेगी। मगर ये ऐसी जाहिल कौम है जो कभी इन बातों पर गौर करेगी ही नहीं। वो दिन रात जूते खाएगी, हर दिन और गर्त में चली जाएगी, भूखी मर जाएगी, जलील होगी, मगर भूल कर भी अपनी गलती नहीं मानेगी। ऐसे लोगों के लिए मैंने लो लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया था। खुद गंदी जिंदगी जियो और दूसरों की तरक्की पर छींटाकशी करो, उनमें नुक्स निकालो, उस पर दिन रात छाती कूटो। इसलिए हे भगवान, जिंदगी में किसी को कुछ भी बना देना, चाहे तो सड़क पर भीख मंगवा देना, मगर ऐसी घटिया लाइफ मत देना जैसी बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जी रहे हैं। अब और क्या ही कहूं। बाकी इन छह से भूतियों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इन पड़ोसियों के किस घटिया रिएक्शन पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया, वो भी जरूर लिखिएगा। चैनल को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ये चैनल कम से कम आधी पाकिस्तान और बांग्लादेश की आवाम तो देख ले। इसलिए इसे दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद, और एक बार इंडिया। दुनिया में ना कई लोगों का हकीकतन ये काम होता है कि दूसरों के काम से नफरत करना, जेलसी करना, और जो है ना बिना वजह के जो है ना वो कीड़े जो है वो निकालना। अभी जैसे मैं एक चीज़ हकीकत ही मानूंगा कि जो कैच जो है सूर्य कुमार यादव ने जो पकड़ा स्काई ने,
वो लिटरली मैं कहूँगा कि वो एक क्लियर कैच था। इवन कि जो थर्ड एम्पायर होता है भाई, उसमें हमने रिव्यू में भी देखा भाई, कोई जो है वो बाउंड्री को पाउ टच नहीं हो रहा, कोई कुछ भी नहीं है भाई, सीधा सा वो कैच था। लेकिन उसे भी एक कंट्रोवर्सी जो है वो बनाकर जो है पेश कर दिया गया कि नहीं भाई ये जो है इतना सा पाउ जो है वो टच हो रहा था, देखें ये हिला था भाई, वो जो वाकई में थर्ड एम्पायर बैठा हुआ है या जो पूरा एक वहाँ पर पैनल बैठा है वो शायद अंधा है और बाकी जितने भी जो इतनी दूर कोसों दूर बैठ के देख रहे हैं उनकी आँखें सही काम कर रही है। देखो मैं कहूंगी कि आज की वीडियो में सही बात है कहने के लिए इतना कुछ है, बट समझ नहीं आ रही कि कहां से स्टार्ट करूं क्योंकि जो वीडियो में हम लोग ने जितना सुना है मैं बोलूंगी कि उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब हर चीज़ में कीड़े निकालना, हर चीज़ में यू नो एक नेगेटिविटी फैलाना, तो डेफिनेटली अगला बंदा जो है ना वो तपेगा, गुस्सा उसको आएगा, वो एक रिएक्शन मिलेगा। फिर हम कहेंगे कि भाई वहाँ से एक हम लोगों को इस तरह की बातें सुनने को मिली। ऑब्वियसली जब आप किसी को पोक करोगे तो आपको रिएक्शन आएगा, और वो भी ऐसी चीज़ों पर जो कि बिना किसी मतलब के कह लो कि आप वो करें। और मुझे ये चीज़ याद आ रही थी कि जब वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, इंडिया में, उस टाइम पर इंडिया नॉन स्टॉप जीती जा रही थी और एक अलग ही सोशल मीडिया पर यू नो पाकिस्तानियों ने एक बलबला मचाया हुआ था कि भाई इनके होम ग्राउंड है इस वजह से ये लोग खुद ही जीतते जा रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया। और अब बाहर चले गए हैं, तो इंडिया में भी नहीं हुआ, वही ना, अब बाहर चले गए हैं तो अब आईसीसी जो है वो फेवर दे रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों के दिमाग का आप इलाज नहीं कर सकते, और मैंने लिटरली ऐसे लोग लाइव देखे हुए हैं जिनके साथ आप अपना दिमाग जो है ना फोड़ते हैं, आप उनको कोई भी लॉजिक दे दो वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। और मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने मतलब पढ़ी भी है कि जो लोग जाहिल होते हैं ना उनके साथ आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी लॉजिक को भी नहीं मानेंगे और फिर वो खुद ही उसी बात पर गुस्सा हो जाएंगे और वो फिर आपके उसके बाद उससे आपका झगड़ा करना शुरू करेंगे। यानी जब आप उनको लॉजिक देंगे ना तो वो फिर आपके साथ झगड़ा करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने मानना नहीं। सो मुझे लगता है कि इन लोगों के भी हालात ऐसे ही हैं। और जो पैनल में लोग बैठे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो ऐसे लोग लेकर आने चाहिए पैनल में जो कि ना बाइस्ड ना हो, ठीक है ना, आप जो मेंटली ऑलरेडी इस तरह का सोच कर आए हुए हो ना कि आप अगर इंडिया जीत गया तो ठीक है हम उसके खिलाफ बात करेंगे, और अगर नहीं जीता तो मतलब यही, अगर साउथ अफ्रीका मान लो अगर जीत जाती और कैच साउथ अफ्रीका की कोई टीम का पकड़ लेता तो क्या इस तरह के फिर आपको क्या क्वेश्चंस रेज होते हुए नजर आने थे? मैं तो लिटरली बीच में हैरान था, वो क्लिप देखकर मुझे हंसी आ रही थी, वो जब कैच पकड़ ले तो सारे एकदम शांत जो है वो हो गए। मैं लिटरली उस चीज में हैरान था कि बांग्लादेश वाला कैसे जो है, ठीक है अगर आप एक आपको पसंद नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई मेरा ख्याल है गेम को हमेशा जो है ना वो गेम की तरह ही जो है वो प्ले करना चाहिए। अभी जैसे जो है ना बीच में बात हो रही थी ना भाई, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अगर देखा जाए तो आपको जो है ना जब हमने सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल जो हैं उनकी जब वीडियो देखी थी तो लिटरली हम हैरान थे कि भाई चीज़ें किस तरह वर्क जो है वो कर रही हैं, और जिस तरह ट्रेनिंग को जो है बंक करके जो है इस तरह बाहर जाके जो है वो कन्वर्जन जो है वो करवाई जाती है, तो लिटरली हैरान था मैं। अभी पाकिस्तानी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं, जैसे मैं दिनेश की अगर बात करूँ, एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ हिंदू थे, इस वजह से जो है उन्हें टीम से जो है वो आउट कर दिया गया। बहुत सारे जो है ऐसे प्लेयर्स भी थे भाई जो कि क्रिश्चियन थे, लेकिन कैसे अपनी वहां पर कन्वर्ट कर दिया गया, मुस्लिम बना दिया, हाँ उनको भी जो है वो कन्वर्ट जो है वो करवा दिया गया। तो अगर देखा जाए तो भाई मेरा ख्याल है कि भाई गेम में से जो है ना वो पॉलिटिक्स और रिलीजन ये दोनों चीजें जो है वो साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीम वर्क होता है, टीम वर्क में जो है ना कोई पॉलिटिक्स होती है ना कोई रिलीजन होता है, वहां पर सिर्फ आपके एम्स होते हैं, वहां पर आपके सिर्फ गोल्स होते हैं जो आपने जो है वो अचीव जो है वो करने होते हैं। और भाई बाकी जहां पर आवे का आवा जो है ना बिगड़ा हुआ हो ना वहां पर आप जो है ना कुछ नहीं कह सकते। हाँ बहुत सारे लोग मैं कहूंगा ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या वो डिस्पाइट ऑफ रिलीजन जो है इंडियन टीम को जो है वो सपोर्ट किया, क्योंकि भाई बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इंडियन प्लेयर्स को पसंद करते हैं। और दूसरे पे मैं ये भी मानूंगा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई ये दुआएं मांगी कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप में जो है वो हार जाए। यार मैं ये बात बोलूंगी कि मुझे लगता है कि मतलब अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और मतलब बाकी जितने भी नेबर्स कंट्री हैं उनको चाहिए बल्कि ये और ज़्यादा इंडिया को सपोर्ट करता, क्योंकि हमारे रीजन में कब जो है एटलीस्ट अगर हमारी टीम्स नहीं जीत पाई
तो हमारे रीजन में तो कप आ रहा है ना। और दूसरी बात, अगर हम दूसरी साइड पर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में बहुत जश्न मनाया गया इंडिया की जीत पर, और अफगानिस्तान के बहुत अच्छे टर्म्स हैं। और बट मुझे बांग्लादेश पर सीरियसली हैरत इसलिए भी होती है क्योंकि अगर उनके गवर्नमेंट के टर्म्स देखें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि लोगों में ये प्रॉब्लम्स क्यों इतनी ज़्यादा क्रिएट होती जा रही हैं। सीरियसली मैं सिर्फ यही दुआ करूंगी और मैं ये चाहूंगी कि बांग्लादेशी लोग जो है ना वो इस साइड पर ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो देखते हैं कि सिर्फ इसी बेस पर आप एक कह लो कि जी एक दूसरे को आप कह लो कि नीचा दिखाने की बस कोशिशें करते रहना और सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहना। मुझे लगता है इस केओस से बाहर निकलना चाहिए। और बिल्कुल मैं वैसे आरजे रौनक की एक बात से बिल्कुल अग्री करूंगी कि पढ़ाई लिखाई करें बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। सब कुछ ये नहीं होता झगड़ा करना, एक दूसरे पर तनकीद करना, यही ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपके पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ रखना पड़ेगा, आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा है, तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी उन चीज़ों को। बाकी आपका जो भी फेथ है उसको पर्सनल रखें, उसको पर्सनल रख कर आप ऊपर वाले से कनेक्ट हों, वो आपको बहुत नवाजेगा। लेकिन आपका जो एम है वो एज अ टीम आपका एक ही एम होना चाहिए कि भाई हमने ये गोल अचीव करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं भाई इन राइटिंग ये बात कर सकती हूँ कि ये मतलब ये टीम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। यार उसके साथ साथ जो है ना मेरा ख्याल है कि एक चीज़ को जो है वो ना तनकीद को डाइजेस्ट करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और बिना किसी वजह के तनकीद जो है ना वो ना करना भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है लॉजिकल चीज़ों को जो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल जो आपने पीछे बात की कि बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप उन्हें लॉजिकल बात जो है वो समझा रहे होंगे, उनकी समझ में भी आ रही होगी, लेकिन वो फिर भी एक ऐसा रेफरेंस बीच में कोट कर देंगे कि आपको यार फील होगा कि यार मैं द्वार के साथ टकरे मार रहा हूँ। तो बेहतर है इस ये इंसान ने जब समझना होगा ना ये समझ आएगा। देखो जाहिल इंसान हमेशा आर्ग्यूमेंट करेगा, यानी आर्ग्यूमेंट इस तरह से उसको लॉजिक समझ आ जाएगी, लेकिन क्योंकि उसने गलत नहीं साबित होना इसलिए वो कोई ना कोई आपको एक्सक्यूज देता रहेगा। और ये चीज यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा है। सो मैं ये बात बोलूंगी जितनी भी हम लोगों ने आज वीडियो में चीजें देखी है और जितने भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स देखे हैं उसमें वाकई में ऑपोजिशन टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर जो पैनल्स बैठे हुए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पर इतने इतने हर एंगल पर कैमरा सेट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों ने चेक किया है। मतलब आपकी आंखें उससे भी ज़्यादा आप कह लो कि स्मार्ट हो चुकी हुई हैं कि वो हर चीज़ इतनी क्लैरिटी से देख पाती है। सो आई थिंक इन चीज़ों को ना सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है और इन पर काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि सीरियसली मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बट एक चीज़ मैं और जाते जाते बोलूँगी, बहुत सारे लोग हम लोग को कॉमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं आपकी कंट्री को इतना कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं तो आप कैसे सुन रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें गलत हैं ना उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको उनके बारे में बात भी करनी चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपकी कंट्री में जो चीज़ बुरी हो रही है आप उसको ना सुने। मुझे लगता है सुने और सोचें और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है उस पर बात करनी चाहिए। आगे ही हमारी कंट्री में बहुत कम लोग हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो कि अपनी खामियों को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों की खामियां निकाल कर उन पर ही बर्डन डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जिस तरीके से बीच में बात बोली, जो उनका एक अंदाज था, ऑब्वियसली उनका एक रिएक्शन था, उनको गुस्सा था, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि दूसरों की जीत को हजम करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि किसी की स्किल्स हैं, किसी ने टाइम दिया। और रोहित शर्मा ने ये बात बोली थी, भाई ये ओवरनाइट चीजें नहीं हुई, हमारी टीम 4-5 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रही है दिन रात। बिल्कुल, तो किसी की मेहनत को आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा क्योंकि अगर जो है भाई एक टीम जो है वो रात को बंक मार कर जो है ट्रेनिंग सेशन से बंक मार कर जो है पार्टियां करने जा रही है, बर्गर खाने जा रही है, और दूसरी टीम जो है वो नहीं, और दूसरों को आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, दूसरी साइड पर देखो टीम, और दूसरी टीम जो है वो ग्राउंड पर जा रही है ट्रेनिंग कर रही है, तो भाई जमीन आसमान का फर्क है, वो होता है, ख्याल रख रही है, उनके पर्सनल शेफ है, उनको पता है हमने कौन सी, मतलब एक देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान की टीम मैं कहूंगी दूर दूर तक नहीं मिलते, मतलब वर्क एथिक्स का कह लो, एनवायरमेंट कह लो, किसी लिहाज से नहीं मिलते, सोच तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम आपको बहुत डिसिप्लिन नजर आती है, उनको पता है सब प्लेयर्स को कि हम लोगों ने क्या क्या करना है जो हमारी गेम को अच्छा कर सकती है। सिर्फ बातें करने से गेम अच्छी नहीं होती, अगर बातें करने से हो जाती ना तो फिर बहुत सारी टीमें जो है ना वो ऐसे ही जीत जाती हैं। एनीवे गाइस, मुझे लगता है इस मुद्दे के बारे में जितनी हम बात करें उतनी कम है,
लेकिन भाई जीत जो जीत गई है टीम उसको तो जश्न मनाना चाहिए, बाकी मुझे लगता है कि इधर उधर जितने भी लोग हैं ना उनको इग्नोर कर दो वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं ना देते मुझे लगता है सबसे बेहतर चीज वही होती है। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ ज्यादा चैनल करें।